मौका मत दीजिए वो इंतजार में है, वो आपको दुश्मन साबित कर देंगे वो आपके ऊपर एजेंडा चला देंगे मेरे भाई मेरे बहनों इसीलिए इबादत प्रार्थना अपने दिलों में रखिए अपने स्थानों में रखिए निजी जगह पे रखिए ये मौका ढूंढ रहे हैं आपको प्रदूषित करने के लिए हमें मुद्दे बदलने होंगे हमें इनके तौर तरीके से इनके साथ लड़ना होगा इनकी पोल खोलनी होगी असली बात है कि देश के सामने उन्हें आके समक्ष आके इस बात को स्वीकारना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है अरे जब है तो है जो झूठ बोलने की क्या जरूरत है उन्होंने बोला था कि चूड़ियां भेजी थी जब सिलेंडर की कीमत रुपए का था आज भाई साहब साढ़े सौ रुपए का रेट पहुंच गया है चूड़ियां नहीं मिल रही है क्या नहीं भरोसा तो हमें भी पूरा है अब देखिए मैं आज आपको बहुत पॉजिटिव होकर बोल रहा हूं जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई मोदी जी धन्यवाद आपने कर दिखाया डॉलर एट्टी को पार कर दिया कश्मीर फाइल हिट हो जाती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है लेकिन बच्चों के स्कूल के कॉपी किताब के ऊपर जीएसटी लगती है लेकिन आप लोगों के होंठ और जुबान सिले हुए हैं। देखिए एक बेटी का बचाव करना हम सबका कर्तव्य है।, है उनकी बेटी हमारी बेटी बेटियां सबकी एक जैसे होती हैं, लेकिन आप यह बताइए कि बचाव किस बात का किया जा रहा है, है। और विवाद की बात आपने कही तो स्मृति रानी का तो शुरू से विवादों से रिश्ता रहा वो जिस सीरियल में काम करती थी वो सीरियल अपने आप में एक विवाद रहा कभी सास कभी बहू घर के प्रोपोकैंड और उसके बाद उनका खुद का विवाद जब उन्होंने अपने हल्फनामे में कहा था मैं ग्रेजुएट हूँ और कुछ दिन बाद उनको अचानक या याद आया अरे मैं तो भूल गई मैं तो बारहवीं पास हूँ अब एक बहुत बड़ा मसला उनकी बेटी जोयसा ईरानी के लिए हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए हैं विपक्ष ने भी उठाए हैं कि उनका रेस्टोरेंट है उन्होंने एक आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट इलीगल चीज़ों पे बाहर चल रहा है और स्मृति जी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने इंटरव्यूज भी देखे और पता चला कि वो कहते हैं कि उनकी बेटी तो अभी बारहवीं में पढ़ रही है तो ठीक है भाई बारहवीं वाले भी तो रेस्टोरेंट चला सकते हैं ना बस उन्होंने ये बात एडमिट नहीं की कि हां भाई वो क्यूजीन चलाते हैं रेस्टोरेंट चलाते हैं गोवा में चलाते हैं अब वो बाहर है यूनिवर्सिटी है क्या है ये तो आप और हम बेहतर जानते हैं जी लेकिन सर जिस तरह से तमाम जो के आर के कह रहे हैं कि अब वहाँ पे बीफ भी बीफ का मांस मतलब मिल रहा है वहां पे सर बीफ के मिल रहे हैं तो ले, उसको लेकर भी बयान तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर देखिए मैं एक बात बोलूंगा सोशल मीडिया में बयान देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है पर जानकारी आनी बहुत जरूरी है आप लोगों के मंचों से असली विवाद क्या है असली विवाद है कि क्या वो रेस्टोरेंट के ओनर है या नहीं क्या वो रेस्टोरेंट चलाते हैं कि नहीं क्या ये बात साबित नहीं हो गया कि उसके रेस्टोरेंट है उनके बेटी के रेस्टोरेंट है ये तो हम नहीं कहते पर सर्च करके देख लीजिए मुझे आपको तथ्य की जरूरत नहीं अब उसमें प्रॉन मिल रहा है फिश मिल रहा है बीफ मिल रहा है वो चेकिंग करेंगे अभी असली मुद्दे पे आई है कि जो स्मृति रानी इतने बात पे हा हल्ला हा, मचाती थी गैस सिलेंडर के लिए चूड़ियां भेज देती थी उनका खुद का वजन कितना था 2014 में तब तो सिलेंडर ही ले पाती होंगी क्या वो उठा लेंगे क्या उनके उन सच और झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा असली बात है कि देश के सामने उन्हें आके समक्ष आके इस बात को स्वीकारना चाहिए कि हां मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है अरे जब है तो है जो झूठ बोलने की क्या जरूरत है अब उसमें परमिशन है उसको एफ एस आई से अप्रूवल है या नहीं गोवा टूरिज्म से अप्रूवल है या नहीं उनका जो मे मेन्यू है फूड का जैसा आप बता रहे बीफ है ये तो गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन का मुद्दा है। पार्टी से आती है वो तो कट्टर तो हिंदुत्व की बात करती है भाजपा के शासित प्रदेशों में आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए 200 सौ दो सौ गज में तो शराब के ठेके है भाई भाजपा के एजेंडे में शराब तो थी नहीं गुजरात में बंदी है शराब मिल जाती है बिहार में बंदी है बिहार में रोज शराब पकड़ी जा रही है तो कौन सा एथिक्स कौन सा प्रिंसिपल भाई आप किस भाजपा की बात कर रहे हैं कौन से एथिक्स की बात कर रहे हैं क्या इनके लोग होटल में नहीं जाते है? आसाम में बाढ़ आया हुआ था कहां गए थे इनके टीम बाढ़ में जनता को बचाने के बदले इनके आसाम के मुख्यमंत्री वो जा रहे थे शिवसेना के बागी विधायकों का सेवा भाव करने के लिए उनका आव भगत करने के लिए तो इनके संस्कार आपको दिखाई नहीं देते क्या अरे मुद्दों को लाइए पत्रकार महोदय जिन मुद्दों से भारत की जनता अप्रज्वलित होगी देखिए सर स्मृति रानी कह रही है कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उसकी मां जो है कांग्रेस के जो तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस जो है का, आप नहीं, नहीं बोल पाएंगे ना ना मैं स्थी बोल देता हूं मैं बोल देता हूं आप लोग भी कभी कभार ऐसे पंक्तियों में हिचकिचाते हैं और आपके ऊपर यूपीए नहीं ना लगेगा भाई मत परेशान हुई आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी से टक्कर ली ये वो स्मृति रानी थी हाय तोबा हाय मैया करते हुए चूड़ियां भेजी थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर आपको याद ही होगा तो भैया सिलेंडर पत्रकार महोदय ये न्यूज दिखा दीजिएगा एडिट मत कीजिएगा नहीं तो मानहानि का केस भी ठोका जाएगा आप लोगों के ऊपर ये भी बता दे रहा हूं तो उन्होंने बोला था कि चूड़ियां भेजी थी जब सिलेंडर की कीमत साढ़े चार सौ रुपए का था आज भाई साहब साढ़े ग्यारह सौ रुपए का रेट पहुंच गया है चूड़ियां नहीं मिल रही है क्या क्या फिरोजाबाद में कांच का उद्योग भी बंद हो गया है आप एक काम कीजिए मैं चूड़िया दे देता हूँ मुलाकात करा दीजिए तब से तो स्मृति ईरानी को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हैं एक मीटिंग करा दीजिए भैया मैं वो वीडियो दिखा देता हूं साढ़े चार सौ के लिए चूड़ी तो साढ़े ग्यारह सौ के लिए काजल नुस्खा नेल पॉलिश ईयर टॉप नेकलेस बैंगल्स अंग्रेजी में बोलते हैं ना टॉप का सेट डिसट और हो सके तो आप दे दीजिए टाटा का भी वो नक्षत्रा डायमंड एक सेट वो भी दे दीजिए क्या साढ़े ग्यारह सौ रुपए के ऊपर आप लोगों की आवाजें नहीं खुलेगी क्या अब इनके चूड़ियों का बौछार नहीं निकलेगा क्या आप सड़कों पे नहीं आ सकते ये ये भाजपा वाले दो, दो परसेंट वैट टैक्स के लिए तो रोड पे आ जाते थे आज क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं दे, ये अच्छा, देश तो लेकिन मोदी जी पे भरोसा कर रहा है कई विधायक पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं नहीं भरोसा तो हमें भी पूरा है अब देखिए मैं आज आपको बहुत पॉजिटिव होकर बोल रहा हूं जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई मोदी जी धन्यवाद आपने कर दिखाया डॉलर कर दिखाया डॉलर एट्टी को पार कर दिया एट्टी डॉलर पार ये मोदी जी कर सकते हैं सीमेंट का रेट डबल मोदी जी की अचीवमेंट पेट्रोल सौ के पार मोदी जी की अचीवमेंट और तो और गैस पीछे क्यों रहे गैस भी नब्बे पहुंच गया उत्तर प्रदेश में सीएनजी एनजी नाइनटी मोदी जी एस डन इट कोयला पार अपने देश का कोयला खत्म सुनिएगा और उसी तरह 2G 3G 4G 5G और डेटा चार्जेस भी बुमा बूम हो गया कहा मोदी जी पीछे जी डी पी पीछे महंगाई पार इकॉनमी पांच लाख करोड़ का कलेक्शन पब्लिक का पसीना पार हमारा पसीना भाप बन के उड़ रहा है 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 फिर भी आप लोग देश नहीं तो हो सुरक्षित हाथों में हिंदुत्व की कड़ी मजबूत चल रही देखिए देश बहुत सुरक्षित हाथों में है मेरे भाई इतने सुरक्षित हाथों में कि चाइना हमारे देश के अंदर घुस जा रहा है लेकिन चाइना के लिए बात करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी के बारे में टाइम ले सकते हैं राहुल गांधी के ऊपर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी के ऊपर बोल सकते हैं लेकिन चाइना के ऊपर नहीं बोलना है कैसे बोलेंगे चाइना के जिनपिंग के साथ अहमदाबाद के एक ही झूले में जो झूले थे अब वो झूले का प्यार कैसे बोलेंगे हमारे साथ तो झूला नहीं झूला ना उन्होंने जी लेकिन सर कहा जा रहा है कि भाजपा को बदनाम किया जा रहा है सर महिला का सर सम्मान में। अरे महिला के सम्मान में पत्रकार महोदय कभी कम नहीं हो सकता मेरी बात सुनिए सबसे ज्यादा महिला नेता महिला मुख्यमंत्री भाजपा ही नहीं तो दिया होगा नहीं दिया क्या आप मुझे बताइए एक बात कौन कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के लेडीज हैं आवाज दीजिए तो जरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा नहीं लाया था नहीं हरियाणा से शुरू की थी आप लोगों को याद ही होगा गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं कितने मुख्यमंत्री बने दो पांच दो चार दस तो हो ही गए होंगे स्मृति ईरानी एक बड़ी चेहरा है ना क्या बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लेवल से बहुत ऊपर है वो वो किसी भी मुख्यमंत्री को सेटल अप कर सकते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं आप भाई वो प्रधानमंत्री के डिफेंसिव फोर्स के सबसे बड़े सिपाही है जो मनमोहन सिंह के ऊपर अटैक करने आ गई थी कोई हल्का फुल्का हो सकती है क्या आप समझिएगा बात को तो महिला की तो भागीदारी भागीदारी है नहीं महिला की बहुत भागीदारी है महिला की भागीदारी कंगना रनौत की है किरण खेर जी की है ही तो नहीं ना अनुपम खेर आजकल भाजपा के गुणगार हैं पांच साल पहले तो हम सुन नहीं रहे थे आज कश्मीर फाइल हिट हो जाती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है लेकिन बच्चों के स्कूल के कॉपी किताब के ऊपर जीएसटी लगती है लेकिन आप लोगों के होंठ और जुबान सिले हुए हैं आज आटा डाल चावल पे जीएसटी लग रही है आप लोग चुप हैं लेकिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है क्यों क्योंकि भाजपा समर्थित एक्टर्स और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये उनके वो लोग हैं चाहे अक्षय कुमार की पिक्चर हो चाहे अनुपम खेर की पिक्चर हो भाई साहब फिल्में तो बहुत आई फिल्में तो माधवन जी की भी आई है अभी कर दीजिए टैक्स फ्री फिल्में तो और भी इंटरटेनमेंट की आ रही है कर दीजिए टैक्स फ्री केवल उन्हीं लोगों का क्यों जो भाजपा का गुणगान करते हैं जिनके मांग पीछे समर्पित फिल्में जो है उसको फ्री किया अनुपम के राष्ट्रवादी है कहा तो जाते चलिए मैं एक बात बोलता हूँ कश्मीर फाइल के बाद वो लंडन गए पेरिस गए वो आके दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं जयपुर में जा रहे हैं भाई साहब मूवी तो कश्मीर के ऊपर था कश्मीर क्यों नहीं गए इस पिक्चर का प्रॉफिट कश्मीर में डोनेट क्यों नहीं कर दिया कश्मीरी पंडितों का प्लॉट मोदी जी के हाथ से साइन करके कश्मीरी पंडितों के हाथ में क्यों नहीं दे दिया इतने सारे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई श्रीनगर में उनके उनके परिवार के पास आंसू क्यों नहीं गए भाई सवाल ना भाई सवाल ना इतनी इतनी समस्या है तो हर जगह चुनाव लड़ती है बीजेपी और जीत जाती है आप भी कई जगह गए हैं कई राज्यों में तो आपने भी देखा हालत क्या है भाई साहब मैं तो एक बात बोलूंगा जब सरकारी तंत्र तामझाम आपके पास हो तो इलाज क्या है आज बावन से ज्यादा नेशनल मीडिया उनके पसंदीदा लोगों के पास है न्यूज दिखा दिया जाएगा आज आप एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए जो बोलते हैं हमारे लिए भी गौरव की बात है मैं झारखंड से हूं मेरे पूर्वज उड़ीसा के थे हम उत्कल ब्राह्मण है हमें भी गर्व महसूस होता है बराबर लेकिन आदिवासियों के ऊपर कोई डिटेल देखी आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को दिवासियों को डेढ़ साल तक यूपीए में रखा गया बाद में सीबीआई ने बोला कोई सबूत नहीं है फिर उनके लिए क्या न्याय है उनके डेढ़ साल की जेल की जो निर्दोष पूर्वक उन्होंने जेल पे सजा खाई क्या उनके ऊपर कोई विवरण आएगा क्या सीआरपीएफ का जो जवान खुद को गोली मार रहा है वीडियो बना के सीआईएसएफ के जो लोग बीएसएफ के लोग हत्या अपनी कर रहे हैं खुद से आत्महत्या क्या उनके लिए कोई बात करेगा क्या उनके लिए कोई बात करेगा और आप कहते बीजेपी जीत रही ईवीएम जीत रहा है और ईवीएम जीतता रहेगा और ये तब तक जीतता रहेगा मैं आपके मंच के माध्यम से बोलूंगा जब तक हम लोग सड़कों पे आ नहीं जाते राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से तो प्रधानमंत्री का चुनाव बैलेट पेपर अगर ईवीएम जीत रहा है तो फिर बंगाल में ईवीएम क्यों नहीं देखिए जिन प्रदेशों में इनकी एक भी फाउंडेशन मजबूत नहीं है वहां ईवीएम को चलाते नहीं है पंजाब में थे नहीं आपको मालूम है आपको मालूम है आप उत्तर प्रदेश के एक एक घर में जाके देखिए आज हापुड़ में हिंदुओं का घर ढाया गया गाजियाबाद में ढाया गया झाझर में ढाया गया एक एक आदमी से पूछिए लोग क्या बोलेंगे आपको जवाब मिल जाएगा लेकिन नहीं हमारी आंखें की खुलती नहीं टेक्नोलॉजी हमें दिख नहीं रही है हैक हो जा रहा है ऑनलाइन एग्जाम हैक हो जा रहे हैं फिर भी नहीं सर लेकिन जिस तरह से मंदिर मस्जिद की बात हो रही है नमाज पढ़ने पर जो पाबंदी लग रही है तमाम जगह देखा गया सर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है मैं आपके वीडियो से अपील करूंगा तमाम उन लोगों से जो हमें सुनते हैं जो देखते हैं और तमाम वो लोग जो हमें पसंद करते हैं या जो हमें नहीं पसंद करते आप लोगों से एक अपील है इस समय के माहौल को समझिए ये दौर है धैर्य का और ये दौर है सब्र का धैर्य और सब्र के साथ चलिए मौका मत दीजिए वो इंतजार में है वो आपको दुश्मन साबित कर देंगे वो आपके ऊपर एजेंडा चला देंगे मेरे भाई मेरे बहनों इसलिए इबादत प्रार्थना अपने दिलों में रखिए अपने स्थानों में रखिए निजी जगह पे रखिए। ये मौका ढूंढ रहे हैं आपको प्रदूषित करने के लिए इनके जाल में मत फंसिए दोस्तों हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है हम इन मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे हम इनके पोल खोलेंगे सड़क आप देखिए उत्तर प्रदेश का चौदह हजार करोड़ का सड़क छह दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया आज वो कई जगह से धस गई इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे दिखाएंगे कहा है राम राज्य हमारे करोड़ों रुपए टैक्सों का जो चाबुक की तरह लिया गया है ये न्याय दिलाने का काम करेंगे हमें मुद्दे बदलने होंगे हमें इनके तौर तरीके से इनके साथ लड़ना होगा इनकी पोल खोलनी होगी पूछना होगा आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को कैसे ऑर्डर मिल गया न्याय की बात उठानी होगी मेरे भाइयों मुद्दे बदलने होंगे